ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश इंडियन मॉम अनु। और आज है वेडनेसडे और अभी मॉर्निंग के 9:30 हुए हैं और मैं कर रही हूँ आज व्लॉग। आई थिंक फुल डे व्लॉग रहेगा, ये कोशिश यही करूँगी कि पूरे दिन का व्लॉग कर सकूँ। तो अभी जो है कि मेरा जो बेटा है और मेरे हस्बैंड है वो जा चुके हैं, बेटा स्कूल चला गया, ऑफिस हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और दोनों एक साथ ही निकलते हैं। पहले वो उनको स्कूल पर ड्रॉप करते हैं और फिर उसके बाद वो आगे ऑफिस निकल जाते हैं। और व्लॉगिंग करने का मेरा एक पर्पस ये भी था कि इस तरीके से अगर मैं फ्रिक्वेंटली व्लॉग करूँगी तब जाके मुझे डेली व्लॉग्स की हैबिट पड़ेगी, क्योंकि अभी तक मैं वीकेंड व्लॉग्स डालती थी आप लोग के साथ और जो कि सफिशिएंट नहीं था सीखने के लिए और एक हैबिट लाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज एक बार कोशिश की जाए फुल डे व्लॉग की। आई होप आपको पसंद आएगा और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, मैं बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान में रखूँगी। और आज जो काम है जो मैंने अभी सोच के रखे हैं, पहली चीज़ तो मैंने सोचा था कि आज किचन क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि जो ग्रॉसरी है वो मैंने 2 दिन पहले ही ग्रोफर से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। और अगर आपके सिटी में भी ग्रोफर है तो बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, साथ ही साथ आपको जो प्राइस बेनिफिट है वो भी काफ़ी मिलता है इसमें और आपके डोर पे आपका सामान पहुंच जाता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं और आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि जस्ट मेरे घर के सामने ही मेन रोड है तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और मॉर्निंग टाइम है, वीकेंड वीकडेज़ है तो बहुत मॉर्निंग टाइम बहुत रश रहता है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी मैं जाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, खाऊंगी और थोड़ी एनर्जी मिल जाए ताकि आगे का काम जो है वो शुरू करे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा घर का क्लीनिंग एंड ऑल रहेगा और उसके बाद मुझे जाना है मौली को स्कूल से पिक करने, मतलब 11:30 के अराउंड उसका जो स्कूल है वो ऑफ होता है तो मुझे उससे पहले वहाँ पहुँच जाना पड़ता है, तो वो करेंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज़, मुझे उसका हेयर कट भी करवाना है क्योंकि उसके बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अभी 20-25 डेज पहले ही उसका हेयर कट करवाया था, बट वो जो आगे से जो बाल रहते हैं वो इसके ये ब्रोस लाइन तक आ जाते हैं, फिर वो बहुत इरिटेट होता है। तो मैंने सोचा कि आज उसका हेयर कट भी करवा लेते हैं। तो ये 2-3 काम है जो मैंने सोचा है आज करने के लिए, देखते हैं कितना होता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेकफास्ट बना दिखाती हूँ कि आज मैं ब्रेकफास्ट पे क्या कर रही हूँ। बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट है, बहुत हैवी कुछ नहीं बनाया क्योंकि वीकडेज में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कुछ हैवी बनाने का, वो सब वीकेंड्स में ही होता है। तो चलिए फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर आगे का काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बनाने अपना ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल है। मैं लूँगी ब्रेड एंड बटर और एक फ्रूट ले लूँगी। तो सबसे पहले मैं ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी अच्छे से। जब ब्रेड टोस्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अप्लाई करूँगी ये गार्लिक हर्ब्स अमूल का बटर, जो कि मेरे ब्रेड को देगा बिल्कुल गार्लिक ब्रेड जैसा टेस्ट। और फिर इसके साथ मैं ले लूँगी बनाना, मेरे पास अभी फ्रूट में बनाना अवेलेबल है तो मैं बनाना ले लूँगी। तो ये रहेगा मेरा ओवरऑल ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैं गई है मौलिक को स्कूल से पिक करने। 11:30 के अराउंड उसका स्कूल ऑफ होता है तो मैंने उसको स्कूल से पिक किया और वो मुझे बहुत सारी बातें बता रहा है कि उसके क्लास में क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स ने क्या बोला। और फिर जब वो अपनी पूरी बातें कंप्लीट कर लेता है फिर वो चलता है घर की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं किचन डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ, तो वही उसी का क्लिप मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पूरा शूट तो नहीं किया है डीप क्लीनिंग किस तरीके से कर रही हूँ, बट कुछ क्लिप्स है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने पूरा किचन अभी खाली कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा दिख रहा है अभी, तो मैं सर्फ के पानी से अच्छे से इसको साफ़ करूँगी।
और आफ्टर क्लीनिंग सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली है, अच्छे से धो ली है और आफ्टर क्लीनिंग कुछ इस तरीके से मेरा किचन दिख रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो मैं जो सारे सामान यहाँ पर अच्छे से जमा लूँगी। सो फ्रेंड्स, काफ़ी देर बाद मैंने फिर से व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं लग गई थी किचन की सफाई में। मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पर, इसलिए सफाई करते वक्त वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स दिखा दिया। और एकदम से डीप क्लीनिंग मैंने करी है, अच्छा सर्फ के पानी में, और अच्छे से सफाई कर दी पूरी किचन की, और ऑलमोस्ट पूरा किचन साफ हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया वहाँ पे। और मैंने शावर भी ले लिया है, बाथ वगैरह हो चुका है मेरा, और अभी बच रहा है 2:15 हो रहे हैं, मतलब होने वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ अमोले के हेयर कट के लिए, और वहाँ क्या है अभी इस टाइम पे मौलिक के हेयर कट करवा लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसको फिर से मुझे नहलाना पड़ेगा और शाम हो जाती है तो बच्चों के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इस वजह से अभी हेयर कट हो जाएंगे। और अभी इस टाइम पे ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा मुझे वहाँ पर, इस वजह से अभी इस टाइम जा रही हूँ। अमौलिक इधर आओ, दिखाती हूँ मैं इसके हेयर्स, दिखाती हूँ मतलब कैसे ग्रो होते हैं बहुत ही अजीब से। फर्स्ट ऑफ ऑल से हेलो, हेलो। ये देखिए, ये जो इसके हेयर्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये आंखों ऐसे ब्रोज तक आ जाते हैं और फिर इसको इरिटेशन होता है। और इसके बाल क्या है थोड़े घने भी है, तो क्या होता है बहुत, देखिए ना कितने, मतलब ये अराउंड 20-25 डेज पहले मैंने करवाया था, तो इस तरीके से इसके बाल आ गए हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और फिर चलिए मैं इसके हेयर कट करवा लेती हूँ, फिर आके आपको दिखाती हूँ किस तरीके के हेयर कट करवाए हैं, और अगर वहाँ पे मतलब मौका मिला तो वहाँ पे भी थोड़े एक आध क्लिप्स बना के डाल दूंगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने अभी ख़रीदे, जब मैं घर आ रही थी तो मुझे दिखे, तो मुझे चाहिए था तुलसी का पौधा, लेकिन मेरे पास गमले खाली पड़े हुए थे तो मैंने उनके लिए भी प्लांट्स ख़रीद लिए हैं। और ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ये फ्लावर प्लांट है, और इसके साथ मैंने ख़रीदा है तुलसी का प्लांट ख़रीदा है, मैरीगोल्ड प्लांट ख़रीदा है, और एक इंडोर प्लांट ख़रीदा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको मैं घर के अंदर रखूँगी। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने ख़रीदे। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ गए घर पे और गए थे बाल कटाने के लिए। हेयर कट हो गया उसका, अच्छा हुआ है, काफ़ी छोटे छोटे करवा दिए हैं कि फिर से 20-25 दिन की मतलब फुर्सत। और वहीं पर साइड पे वो नर्सरी वाले थे, नर्सरी नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक ठेले में लेके बैठ के वो पौधे बेच रहे थे, पौधे पेड़ वगैरह थे उनके पास, तो वो बेच रहे थे। तो मुझे याद आया मुझे लेना था सिर्फ तुलसी का पौधा, क्योंकि मेरा तुलसी का पौधा मेरे पास नहीं लगा, फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो नहीं मिलता है, तो तुलसी का पौधा बेच रहे थे, तो मैंने तुलसी लिया, साथ साथ 2-3 और प्लांट्स ले लिया जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो अब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, फिर उसको बाद उसको लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 3 गमले हैं जो वैकेंट है, तो मैं उन सब में ये 3 पौधे लगाऊंगी, और एक मैं जो पौधा लाई हूँ वो गमले के साथ लेकर आई हूँ, तो उसे एज इट इज़ रख दूंगी। तो ये सब है, और बस अब जा रहे हैं हम, मैं जा रही हूँ लंच बनाने, लंच में मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल, और फटाफट हम लोग लंच करेंगे क्योंकि बहुत जम के भूख लग रही है, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
सो फ्रेंड्स, ये है हमारा राज का लंच, जिसमें है चावल है, कढ़ी है, बिजौरे है और ये फ्राइड मिर्ची है। और अमोलिक के लंच में है कढ़ी और चावल। फ्रेंड्स, ये ग्रोफर से जो ऑर्डर किया था सामान वो आ गया है और मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से आप पैसे सेव कर सकते हैं ग्रोफर से ऑनलाइन शॉपिंग करके। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7 और मैंने डिनर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। डिनर बहुत ही सिंपल है, मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी, दाल फ्राई, राइस, चपाती और साथ में टमाटर की चटनी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाती हूँ। मैंने एक स्मॉल अनियन ले लिया, उसे चॉप कर लिया है, उसे मैं फ्राई करूँगी। फिर उसमें मैंने डाली है कटी हुई गार्लिक और जिंजर को मैंने किस लिया है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैं सॉटे कर लूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू और शिमला मिर्च, जिसको मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मैश होने लगते हैं, इसलिए इसको हम बड़े पीस में कट करेंगे। और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एज़ पर टेस्ट और इसे मैं मिक्स करके थोड़ी देर पकने दूँगी जब तक थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाते हमारी शिमला मिर्च और आलू। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक टोमेटो कट करके और जब टोमेटो अच्छे से गल जाए तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस, तो हल्दी डालूंगी, मिर्ची डालूंगी और इसके बाद मैं इसमें एक ऐड करूंगी स्पेशल मसाला जो कि मैं अपने लॉस के यहाँ से लाई थी। ये है स्मिता का भरवा तवा सब्जी मसाला। ये आप कोई भी सब्जी बनाए और उसके ऊपर से आप स्प्रिंकल कर देंगे तो सब्जी का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं इसे ऐड करूँगी जिससे मेरा जो आलू शिमला मिर्च की सब्जी उसमें एक अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा। और इन सबको मिक्स कर लूँगी और मेरे जो वेजीज है वो, तो अब मैं दूंगी अपने दाल को तड़का। मैंने दाल को बॉईल कर लिया था नमक और हल्दी डालकर और तड़के के लिए मैं घी का यूज़ करूंगी। थोड़ा सा घी लिया है, उसमें मैंने क्यूमिन जीरा डाला है। जब वो क्रैकर्स होने लग जाए तो उसमें मैं ड्राई चिली डालूंगी। इस चिली में ज़्यादा तीखापन नहीं होता है लेकिन छौंकने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें मैं बारीक अनियन को चॉप करके डालूंगी और जब ये अनियन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें अपने दाल ऐड कर दूंगी और उसमें कोरिएंडर डाल दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में बनाऊंगी टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी के लिए मैं हल्का सा टमाटर को रोस्ट कर लेती हूँ, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। चटनी बनाने के लिए जो मैंने टमाटर रोस्ट किए थे उन्हें थिक चॉप कर लूँगी, साथ ही कोरिएंडर को वॉश करके इसमें कट करके ऐड करूँगी, गार्लिक के 3 क्लोव्स और चिली ऐड करूँगी और साथ ही सॉल्ट डालूँगी। ये सबको ऐड करने के बाद मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी तो मेरी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग का डिनर हो चुका है, अभी जस्ट फ्री हुए, किचन एंड ऑल सब फिनिश, सारे काम फिनिश हो चुके हैं। सचिन और अमोलिक टीवी देख रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ यहाँ पर आके इस व्लॉग को प्रॉपर एंड करती हूँ। और जो भी मैंने आज पूरे दिन किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और दूसरी चीज़, मेरा जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो बस अब मुझे सिर्फ कॉम करना है। कॉम करके अपने बालों को टाइप करूँगी और उसके बाद मैं सोने जाऊँगी बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी एंड टायर्ड, सो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग या किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर जो भी कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ को मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगी। और चलिए ठीक है, तो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।